इंदौर अभिभाषक संघ के अध्यक्ष गोपाल कचोलिया ने आज बताया कि जिला न्यायालय परिसर स्टाम्प वेंडरों को इस मामले में स्पष्ट कर दिया गया है। इंदौर में अधिवक्ता कल्याण निधि के टिकट बेचने वाले स्टाम्प वेंडरों को बता दिया गया है कि परिसर में अधिवक्ता कल्याण निधि का टिकट 40 रुपये से अधिक धनराशि पर बेचने वाले व्यक्तियों व स्टाम्प वेंडरों पर कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। इंदौर अभिभाषक संघ इंदौर के सूचना पटल पर भी इस आशय की सूचना लिखवा दी गई है कि अगर कोई स्टाम्प वेंडर किसी भी व्यक्ति से अधिवक्ता कल्याण निधि के निकट के मूल्य 40 रुपये से अधिक धनराशि मांगता है तो उसकी शिकायत तत्काल प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश महोदय के कार्यालय में और इंदौर अभिभाषक संघ इंदौर के कार्यालय में लिखित में करें ताकि दोषियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जा सके। गौरतलब है कि जिला न्यायालय परिसर इंदौर में अनेक लोग अधिवक्ता कल्याण निधि के टिकट निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर बेच रहे थे। न्यायालय परिसर इंदौर में अधिवक्ता कल्याण निधि के टिकट बेचने वाले लोग मनमाना शुल्क वसूल कर रहे थे। इस संबंध में मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद और श्रीमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय और अन्य सभी जगह सूचित किया गया था कि अधिवक्ता कल्याण निधि टिकट या स्टाम्प आदि को निर्धारित मूल्य से अधिक पे बेचने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। इस संबंध में अभिभाषक संघ के सूचना पटल पर सूचना लगा दी गई है कि कोई भी स्टाम्प वेंडर अधिवक्ता कल्याण निधि के टिकट पर अतिरिक्त शुल्क की मांग करे तो उसके खिलाफ लिखित शिकायत अभिभाषक संघ के कार्यालय में या जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के कार्यालय में प्रदान करे ताकि ऐसे स्टाम्प वेंडरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सके। सर कितने पैसे बढ़ा कर लिए जा रहे थे? अधिवक्ता कल्याण निधि के टिकट 40 रुपये का रहता है लेकिन उसका कोई 40-50 ले रहा था, कोई 45 ले रहा था, कोई 55 रुपये ले रहा था, कोई 60 रुपये ले रहा था, सब अलग अलग भाव ले रहे थे। लगभग कितना रेवेन्यू सर रोज अपने यहाँ के कोर्ट की बात करें तो एक लगभग मोटा मोटा? प्रतिदिन 1000 रुपये का अधिवक्ता कल्याण निधि का टिकट इंदौर में रखता है। यानी कि सख्त कार्रवाई अब शुरू हो जाएगी यदि हो जाएगी? अगर कोई भी अधिक शुल्क लेता पाया गया, उसकी शिकायत हमारे कने आई तो हम उसका लाइसेंस निरस्त करवाएंगे और उसके खिलाफ फौजदारी प्रकरण दर्ज कराएंगे और उसको सजा करवाएंगे।